अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मिस रोमाना। मैं आपकी ड्राइंग की टीचर हूँ। आप लोगों को मालूम है कोविड की वजह से जो है हम लोग अपने घरों में हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब ये है कि आप लोगों ने जहाँ तक काम अपना वर्क कंप्लीट किया था उसके आगे से जो है मैं आपको वर्क स्टार्ट करवा रही हूँ। अब आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और मास्क यूज़ कीजिए। अच्छा, अब जो है आप लोगों को मैं ग्राफिकल लेटर मेट्रोपॉलिटन बताऊंगी कि आपने वो किस तरह से मेट्रोपॉलिटन, स्कूल का नाम भी हमारा मेट्रोपॉलिटन है और जो हम ग्राफिकल लेटर इसमें काम वर्क करेंगे वो है मेट्रोपॉलिटन। पहले मैं आपको ग्राफ बताऊंगी। ग्राफ आप लोग से थर्ड क्लास से आप लोग ग्राफ सीख रहे हैं और ग्राफ सबको आता है। आप उसमें जो है वो लेटर जो बनाने होंगे या नंबर बनाने होंगे वो दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से ग्राफिकल लेटर बनाने हैं या ग्राफिकल नंबर बनाने हैं। आप लोगों को ग्राफिकल लेटर बता रही हूँ, मेट्रोपॉलिटन आपने किस तरह से, इसमें आपने 12 ग्राफ बनाने हैं। तो 12 ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो है उसके अंदर लेटर्स शो करेंगे। पहले आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ के लिए आपको पता है 5 सेंटीमीटर हमने वन टू थ्री फोर फाइव ये डॉट हमने डाले हैं। पहले हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से जो है 8 सेंटीमीटर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है नंबरिंग करेंगे। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इस ग्राफ को हम कंप्लीट करेंगे। जो हमने डॉट डाले हैं इसी की हेल्प लेंगे हम और 5 बॉक्स हम ऊपर से और 8 बॉक्स हम नीचे से लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 1 ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा जो भी लाइन आएंगी हम उसको रेस कर देंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे और उसको भी जो है हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। फिर इसके बाद हम ऊपर से 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 अब हम इसमें नंबरिंग शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका
एक ग्राफ और कंप्लीट हो गया। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। वन टू थ्री फोर फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। वन टू थ्री फोर फाइव। अभी हम सिर्फ ग्राफ बन ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम लेटर्स बताएंगे आपको के लेटर्स। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा, अभी तो ये मैं 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर पे आप लोगों को ग्राफ बता दिया है, लेकिन आप इससे छोटे साइज़ का भी जो है आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ का आप लोग देखिएगा कि मैं वो जो स्मॉल साइज़ का ग्राफ होगा वो कैसे बनाती हूँ। पहले अभी मैं आपको एज इट इज 5 और 8 सेंटीमीटर पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस पर गाइड किया आप लोगों को कि 5 और 8 सेंटीमीटर आप किस तरह से बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको यहाँ पर ही साइज में बिल्कुल साइज स्मॉल साइज का ग्राफ बता रही हूँ। आपने इस स्मॉल साइज में आपने 1 से लेकर 6 तक आपने ले लिया और फिर 1 से लेकर 4 तक आप ये साइज, आप इसको डिवाइड करेंगे आप 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5। ये हमने स्मॉल साइज़ में लिया है। अब आप पर डिपेंड करता है, आप जो भी साइज़ आप लेना चाहते हैं ग्राफ के लिए, लेकिन बॉक्सेस का जो है साइज़ है वो स्क्वायर में इक्वल होना चाहिए और ऊपर जो है वो 5 बॉक्स होने चाहिए और साइड में जो है वो 8 बॉक्स होने चाहिए, ये कंपलसरी। अब ये हमने स्मॉल साइज इसलिए लिया है कि हमारे पास मेट्रोपॉलिटन 1 पेज पर आ जाएं, तो इसलिए हमने इसको साइज़ को स्मॉल कर दिया ताकि हमारे मेट्रोपॉलिटन पूरे 12 ग्राफ जो हैं वो कंप्लीट इसमें ड्रॉ हो जाएं, वरना फिर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है। अभी 1 2 3 4 5 अब हम यहाँ जो भी बॉक्सेस हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। अभी हमने ये वाला बॉक्स जो बनाया है स्मॉल वाला, वो हमने आई थिंक 6 का बनाया है, 6।
तो यहाँ पर भी हम इसको फिक्स लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये क्या कर रहे हैं। टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट। एट नाइन टेन, टेन करना ही पड़ेगा है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One,
टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव बॉक्स एट बॉक्स। साइज आप जो ले सकते हैं अपनी आपकी चॉइस है, बट आप लोग जो है बॉक्सेस का ख्याल रखिएगा, फाइव बॉक्सेस यहाँ आएंगे ऊपर और फाइव एट बॉक्सेस साइड में आएंगे। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आपको ग्राफ जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बनाए, इसमें जो है कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वो मैं रिपीट में आप लोगों को ऑनलाइन नहीं बताऊंगी, वन टाइम ही इसमें शो कर रही हूँ। आप लोगों ने वो टू टाइम ही शो करना है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन की स्पेलिंग है मैट रो पो ली टन, ठीक है। इसमें हमारे पास टी रिपीट हो रहा है, तो मैं वन टाइम आपको इसमें शो करूँगी, और ओ जो है हमारे पास टू टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसमें मैं वन टाइम। आप लोग जो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन जो है इस अपनी ड्राइंग बुक में, चाहे आपके टू पेजेस में आए या वन पेजेस में आए, जिस तरह भी आए, आपने कंप्लीट जो है मेट्रोपॉलिटन ही लिखना है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मिस ने जो है टी हमारा इसमें टी नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग टी मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, वन टाइम ही आपको शो करवाऊँगी, लेकिन आपने टी टू टाइम बनाना है, ओ टू टाइम बनाना है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एम बताऊँगी कि एम आपने किस तरह से बनाना है। एम के लिए सबसे पहले यहाँ से आपको ये बॉक्सेस बनाने होंगे, स्केल ले लीजिए, ये फोर तक जो है आपकी लाइन यहाँ तक आएगी, तो कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसको यहाँ से फोर तक ले आइए, अब जो है सिक्स तक इस लाइन को अब आप इसमें शेडिंग दे दीजिए पेंसिल से या कलर से कर लीजिए। कलर यूज़ करें तो आप टू कलर यूज़ कीजिएगा, जहाँ मैं पेंसिल से शेड दे रही हूँ वहाँ एक कलर यूज़ करके, और फिर आप आउटलाइन दूसरे कलर से बनाइएगा। ये हमारा एम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एम के बाद जो है हम ई बनाएंगे। ई बनाने के लिए
जब तक अब जो है आप ये पेंसिल से शेडिंग हुई आपकी, ये आपका ए भी कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाएंगे टी की तरफ। टी जो है आपका, अब यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएंगे पहले। ये लाइन आप स्ट्रेट लेकर जाएंगे, यहाँ से ये लाइन लाएंगे। ये लाइन है आपकी, ये लाइन आएगी, ये आपकी। यहाँ पर आप शेड देंगे, आप टू कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर पेंसिल से शेड दे रहे हैं तो फिर वन शेड से ही काम चलाइएगा, पेंसिल शेड से। और अगर कलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर टू कलर यूज़ कीजिएगा। ये आपका हो गया टी। अब आप आ जाएंगे आर की तरफ। आर के लिए आर बहुत सिंपल है, यहाँ बॉक्स आएगा, यहाँ एक बॉक्स आया, फिर उसके बाद यहाँ एक बॉक्स आएगा, यहाँ इसको बस हल्का सा वेव देंगे, टर्न करेंगे, फिर यहाँ से लाएंगे फोर, अब इसको जो है आपने पेंसिल शेडिंग दी। क्लास में भी आपको पता है अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा होता था तो मैं आपको वन टाइम ही वो बोर्ड पे करवाती थी, बाकी टू टाइम हो थ्री टाइम हो वो सब आपने खुद करना है। अब टी जो है मेट्रोपॉलिटन में टू टाइम रिपीट हो रहा है तो मैं वन टाइम इसमें शो कर रही हूँ, आपने टू टाइम जो है मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी, टू टाइम आपको टी ड्रॉ करना होगा। ओ जो है मैं वन टाइम रिपीट करूँगी और आपने टू टाइम रिपीट करना होगा उसको। ओ तो बहुत ही सिंपल है, फोर एंगल से इसको जो है टर्न लेते हैं बस। फिर ये यहाँ से ऐसे टर्न किया, इस तरफ ले गए, फिर ये हम
यहाँ से लेकर आए, फिर हमने इसको यहाँ से कर दिया। अब इसकी शेडिंग देंगे। अच्छा, अब जो ओ है वो भी टू टाइम रिपीट हो रहा है, मेट्रो तो पो मेट्रोपॉलिटन तो टू टाइम रिपीट हो रहा है, ओ तो मैं वन टाइम इसमें शो कर रही हूँ। आपने टू टाइम ही रिपीट करना है। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि हर चीज़ मेरी बात गौर से सुनिएगा और जो है इसको फॉलो कीजिएगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। मेट्रोपॉलिटन में टी जो है टू टाइम रिपीट हो रहा है, ओ टू टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको वन टाइम ही शो कर रही हूँ, लेकिन आपने जो है टू टाइम ही शो करना है। मेट्रोपॉलिटन पूरी स्पेलिंग होनी चाहिए कंप्लीट। अब आप बनाएंगे पी। पी भी बहुत इजी है, इसका बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा वेव दे के डन करेंगे, फिर फोर लाइन तक जो है हम इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ ला के इसको डन करेंगे। फिर उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर सेंटर से हम इसको ऐसे, फिर ये हो गया। अब इसमें जो है हम छेड़ देंगे ये शेड दिया। अब आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं, मगर टू कलर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया मेट्रो। अब ओ जो है मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, और अब आपके पास मैं एल को लेकर आऊँगी। अब इसको जो है आपने इसमें भी शेडिंग दे दी। ये आपका एल कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया आपका मेट्रो पॉली। अब आई जो है वो बनेगा। आई भी बहुत इजी है, टी से ही बिल्कुल मिलता हुआ है, लेकिन ये है कि आप ज़रा और से देख के बनाइएगा। आई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं उसको ज़रा और से देख लीजिएगा। आई के लिए आपने यहाँ से बॉक्स लिया और इस लाइन में लेकर आ गए, फिर यहाँ लेकर आए, फिर उसके बाद यहाँ से ये बॉक्स बनेगा। ये ऊपर वाला हुआ, उसके बाद ये यहाँ से गया है। यहाँ इसको शेड दे देंगे, यहाँ इसको शेड देंगे। बिल्कुल टी की तरह बन रहा होता है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बाकी सेम वो टी से ही मिलता जुलता है, इसी की फैमिली का है। ठीक है, जब कोई चीज़ मिलती है एक दूसरे से तो कहते हैं उसी की फैमिली की है। ये वाला भी शेड आ जाएगा इधर। मैं तो पेंसिल ही शेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कलर यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि और अगर आप पेंसिल कलर पेंसिल शेडिंग ही दें तो कोई इशू नहीं है। ये आपका हो गया टी, आई हो गया मेट्रोपॉलिटन। अब आई के बाद टी मैं रिपीट नहीं करूँगी। टी हाँ मैं शो कर चुकी हूँ, तो टी मैं नहीं बनाऊँगी। अब मैं ए और एन शो करूँगी। ठीक है, बाकी आपने पूरा मेट्रोपॉलिटन ही बनाना है।
अब हम करेंगे ए। ए बहुत इजी है। ए के लिए जो है हमारे पास यहाँ से एक लाइन आती है और एक क्यू आती है, फिर हम इसके बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं टू साइड से, ये बॉक्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हम इस लाइन को लाकर इससे जॉइंट कर देते हैं, फिर इस लाइन को लाकर इस लाइन से जॉइंट कर देते हैं, फिर इस लाइन को इस लाइन से जॉइंट कर देते हैं। अब बाद में जो है हम इसके बाद ये फाइव तक जो है हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर ये यहाँ से आती है और यहाँ तक जॉइंट हो जाती है। इसके बाद जो है इस लाइन को यहाँ से करते हैं। अब एक लाइन हम सेंटर से लेकर आते हैं, ये आपका ए कंप्लीट हो गया। अब ए के बाद जो है इसको शेडिंग वेडिंग देकर कंप्लीट करेंगे। अब मैं बार बार देखें एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, मेट्रोपॉलिटन की जो स्पेलिंग है पूरी आपने लिखनी है मेट्रोपॉलिटन, यहाँ मैंने सिर्फ रिपीट नहीं किया है, आपको लिखकर भी शो कर दिया है कि टी और ओ टू टाइम आ रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर टू टाइम यहाँ रिपीट नहीं किया है। लेकिन आप लोगों ने ये हर हाल में करना है, कंप्लीट लिखेंगे आप लोग मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। ये आपका ए भी हो गया। अब जो है आपका एन की तरफ आ जाइए। एन भी बहुत इजी है, इसके बॉक्सेस निकालते हैं। ये आपका एन हो गया कंप्लीट। ये आपने एन में भी शेडिंग दे दी, ये आपका एन शेडिंग बहुत प्यारी दीजिएगा, खूबसूरत लगे, कलरिंग करें तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छा ये याद रखिएगा जो नंबर्स होते हैं ना पेपर में दिए जाते हैं, जैसे ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है तो ये ग्राफ के जो हाफ मार्क्स होते हैं और जो अंदर लेटर्स हमने ड्रॉ किए हैं उसके हाफ होते हैं। अगर ये 10 मार्क्स का है तो अगर आपको ग्राफ में कोई मिस्टेक होती है तो वहाँ पर आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे, और अगर लेटर्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें कर देंगे। यहाँ मुझे आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि यहाँ की मैंने शेडिंग नहीं दी थी, अब ये एल भी मैंने शेडिंग में कंप्लीट कर ली है। अच्छा बेटा देखिए मेट्रोपॉलिटन जो है मैंने पूरा आपको कंप्लीट करके बता दिया है, और एक लाइन यहाँ पर मिसिंग में थी और ये शेडिंग में, तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। जब कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई चीज़ कोई लैकिंग नज़र आ ही जाती है। अब यहाँ पर हमने मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो का एम ई टी आर ओ यहाँ तक हो गया, उसके बाद पो जो है ओ हमने यहाँ शो किया हुआ है तो आप फिर यहाँ कीजिएगा। ये पॉलिटन, पॉलिटन का जो है आपके पास टी जो है वो यहाँ शो किया हुआ है तो आप फिर यहाँ पर कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से मेट्रोपॉलिटन की पूरी स्पेलिंग है, और आप बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन की पूरी स्पेलिंग जो है कम्प्लीटली लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, हैंड वॉश करें, मास्क यूज़ करें, और अपना और हमारा सब
लोगों का दुआओं में ख़ास ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। सबको याद रखिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस ये कोविड यहाँ से जाए और हम अपनी प्रॉपर रूटीन में आ जाएँ। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़।